हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सा मिनल्स किचन एंड मोर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक वायरल रेसिपी बनाएंगे, डालगोना कॉफ़ी। तो कैसे बनाते हैं इसको, ये बहुत ही सिंपल है और आजकल बहुत ही प्रचलित है। सो देखिए, इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर एक बाउल लिया है जिसमें मैं इंस्टेंट कॉफ़ी डालूंगी 2 टेबल स्पून जितनी। आप चाहो तो कोई भी कॉफ़ी ले सकते हो। सो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून डाली कॉफ़ी एंड यहाँ पर मैं शुगर लूँगी। हालांकि मैं माइल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ, इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैं 3 टेबल स्पून शुगर लूँगी। और स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी चाहिए तो आप 2 टेबल स्पून तक ले सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर वॉर्म वाटर मिक्स करूँगी 2 टेबल स्पून जितना। वॉर्म वाटर इसलिए मिक्स करना है ताकि बहुत ही जल्दी से विस्क हो जाए। और यहाँ पर मैं दूध गर्म करने के लिए रख रही हूँ। आप चाहो तो इसको चिल्ड भी बना सकते हो, तो ठंडा दूध यूज़ कीजिए, और बट यहाँ पर मैं थोड़ा गर्म बनाऊँगी। सो अब हम यहाँ पर बीटर लेंगे। आप चाहो तो इसको हैंड बीटर से भी बीट कर सकते हो, विस्क कर सकते हो, या फिर स्पून की सहायता से भी कर सकते हो। बट हियर आई एम यूजिंग बीटर मशीन। तो यहाँ पर मैं मशीन यूज़ कर रही हूँ ताकि जल्दी ही हो जाएगा। ये देखिए, बहुत ही फास्ट हो रहा है। और यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो रनी है। ये देखिए, आपको मैं बताऊंगी, अगर आप हैंड से बीट कर रहे हो तो ये देखिए, अगर आप इस लेवल तक पहुँच जाते हो सो डोंट थिंक दैट इट्स डन। ये अभी तक हुई नहीं है, इसको और कंटिन्यू स्टर करते रहिए। अच्छा, ये देखिए, हमारा कम से कम 2 से 3 मिनट हो गए हैं और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, बट अभी भी ये पूरी तरह से स्टफ़ नहीं है, इसलिए हम इसको कंटिन्यू विस्क करेंगे। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से होनी चाहिए, कलर वैसे ही लाइट हो रहा है जैसे जैसे हम इसको विस्क कर रहे हैं, और ये एकदम अच्छे से चिपक जाएगी आपके बीटर को। ये देखिए, सो ये हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया है। तो हैंड बीटर से हमको कम से कम 10 से 12 मिनट लगेंगे, और मशीन जो मैंने यूज़ किया उससे 4 से 5 मिनट। अब हम एक ग्लास लेंगे, उसमें मैं गरम दूध मिक्स करूँगी, ऐड करूँगी उसमें। ये देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, सो आप चाहो तो थोड़ा कम यूज़ कर सकते हो। और इसमें हमने जो मिक्सचर प्रिपेयर किया है वो डालेंगे। ये देखिए कितना अच्छे से फ्लोट कर रहा है मिल्क के ऊपर। और अगर आप चिल्ड मिल्क ले रहे हो तो उसमें आप थोड़ा आइस भी ऐड कर सकते हो। सो डज इट लुकिंग यमी, मेरे मुंह में तो पानी आ गया अभी से। सो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से हम इसको डेकोरेट करेंगे। इसमें थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है जो हम ये फोम यूज़ कर रहे हैं उसका। और यहाँ पर मैंने ऊपर से कोको पाउडर स्प्रिंकल किया है, आप चाहो तो बॉर्नवीटा या फिर कॉफ़ी पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये देखिए जितनी डिलीशियस लग रही है, पीने में भी उतनी ही टेस्टी रहेगी। सो ये देखिए, सो फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग। बाय, थैंक यू।